वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 मई 2018 और 18 मई 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, आप उस बटन पर क्लिक करके बराबर वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आजकल आप देख रहे होंगे न्यूज चैनल पर कर्नाटक छाया हुआ है। कर्नाटक में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन सबसे ज्यादा सीट मिली बीजेपी को और बीजेपी के ये कैंडिडेट थे BS येदियुरप्पा, और BS येदियुरप्पा ने ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला फिर भी BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। अब इन्हें कुछ समय में बहुमत साबित करना होगा, सदन में फ्लोर टेस्ट होगा, वहां पे इन्हें बहुमत साबित करना होगा BS येदियुरप्पा को। अब ये कर्नाटक की बात आ गई है तो कर्नाटक के बारे में आपको बता देता हूँ। कर्नाटक के तो ये नए मुख्यमंत्री बन गए हैं BS येदियुरप्पा, और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और जब भी आप बेंगलुरु का नाम सुने तो पूरे 2018 में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनके लिए बेंगलुरु से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का कौन सा पहला ऐसा सिटी है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है। तो बेंगलुरु ही है इंडिया का पहला सिटी जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। बेंगलुरु ने जो अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है उसमें कन्नड़ और इंग्लिश में बेंगलुरु लिखा हुआ है, तो यह आपको याद रखना है। इंडिया का पहला सिटी बन गया है बेंगलुरु जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है। और कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? BS येदियुरप्पा ने। ये आपको जो इमेज में दिख रहे हैं BS येदियुरप्पा, यही हैं BS येदियुरप्पा, और इनको शपथ दिला रहे हैं कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला। तो इनके जो बराबर में खड़े हैं ये हैं कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्गेनो में निर्वाचित होने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सुशीला जयपाल, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय मूल की अमेरिकी कांग्रेस सांसद प्रमिला जयपाल की ये बहन है सुशीला जयपाल, और ये ऑर्गेनो में निर्वाचित होने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं यही हैं सुशीला जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में कौन सा शहर सबसे स्वच्छ घोषित हुआ है? तो ये घोषित हुआ है इंदौर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है इंदौर, और दूसरे पर रहा है भोपाल, और तीसरे पर रहा है चंडीगढ़। तो ये टॉप थ्री आपको याद रखने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ है, तो ये इंदौर घोषित हुआ है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें टोटल 4041 सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है इंदौर। ये तीसरा स्वच्छ सर्वेक्षण था, इससे पहले दो स्वच्छ सर्वेक्षण और हो चुके थे। पहला स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2016 में, जिसमें सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ था मैसूर, तो ये भी आपको याद रखना है। पहले स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ था मैसूर, दूसरा स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2017 में, उसमें सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ था इंदौर, और तीसरा अब ये हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2018, इसमें फिर से सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है इंदौर। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, तीनों के सबसे स्वच्छ शहर याद रखने हैं। तीसरा स्वच्छ सर्वेक्षण ये 2018 में हुआ है, इसकी घोषणा की है आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, इन्होंने ही ये घोषित किया है सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है चेन्नई में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो की शुरुआत हुई है चेन्नई में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित हुआ है गुवाहाटी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन स्थापित हुआ है गुवाहाटी में। और आपको पता होना चाहिए गुवाहाटी असम का सबसे लार्जेस्ट सिटी है। कहाँ का सबसे लार्जेस्ट सिटी है? असम का। अब असम की बात आ गई है तो असम के बारे में आपको बता देता हूँ। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनवाल और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं जगदीश मुखी। तो आपको असम के बारे में इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो टाटा स्टील ने अभी अपनी सहायक कंपनी बामनीपाल स्टील के साथ मिलकर भूषण स्टील का अधिग्रहण किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन पे मैंने लिखा है, इसके साथ मिलकर टाटा स्टील ने भूषण स्टील का अधिग्रहण किया है। टाटा स्टील ने अपनी सहायक कंपनी बामनीपाल स्टील के साथ मिलकर भूषण स्टील का अधिग्रहण किया है। अब ये अधिग्रहण टाटा स्टील ने किया है तो टाटा स्टील के बारे में आपको बता देता हूँ। टाटा स्टील की स्थापना हुई थी 1907 में और किसने की थी इसकी स्थापना? जमशेदजी टाटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 17 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी हाल ही में विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया है 17 मई को। अब ये 17 मई को तो बनाया गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि इसकी थीम क्या है। यानी कि 2018 में जो विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है इनेबलिंग द पॉजिटिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। एक बार फिर मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, इसकी थीम है इनेबलिंग द पॉजिटिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। और पहला विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया था 1969 में। तो ये भी आप याद रखिए, पहला दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया था 1969 में। अब मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ ऐसे रखे हैं जिससे आपको कुछ जानकारी मिल जाए। जब मुझे आप चार ऑप्शन लिखने ही होते हैं तो मैं कुछ ऐसे ऑप्शन लिखने की कोशिश करता हूं जिससे आपको जानकारी मिल जाए। एक ये ऑप्शन लिखा है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। एक ये ऑप्शन लिखा है 15 मई, 15 मई को अभी हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और एक ये ऑप्शन लिखा है 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी का नियमित अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में ललित कला अकादमी के नियमित अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उत्तम पचरने। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी इनसे पहले ललित कला अकादमी के अनियमित अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे श्री एम एल श्रीवास्तव। ये मैं जो मैंने सेकंड ऑप्शन पर लिखे हैं, ये अभी तक अस्थायी अध्यक्ष थे। अब ललित कला अकादमी के स्थायी अध्यक्ष बन गए हैं उत्तम पचरने। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आ गई है ललित कला अकादमी की, तो ललित कला अकादमी के बारे में आपको बता देता हूँ। ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 11 मार्च 1954 को। कब हुई थी ललित कला अकादमी की स्थापना? 11 मार्च 1954 को। और ललित कला अकादमी का हेडक्वार्टर आप याद रखिए, ललित कला अकादमी का हेडक्वार्टर है रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में। रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में है ललित कला अकादमी का हेडक्वार्टर। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हैवी ट्रांजेक्शन के लिए नया फीचर लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में पेटीएम ने हैवी ट्रांजेक्शन के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। पेटीएम ने अपनी ऐप में ही हैवी ट्रांजेक्शन के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में हैवी ट्रांजेक्शन के लिए किसने नया फीचर लॉन्च किया है, तो पेटीएम ने लॉन्च किया है। अब पेटीएम की बात आ गई है तो पेटीएम के बारे में आपको बता देता हूँ। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में और पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा में। और पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है विजय शेखर शर्मा और यही है पेटीएम के संस्थापक। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेटीएम से ये बन जाता है कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पीएनबी जैसे घोटालों से बचने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क स्थापित किया है? तो ये अभी स्थापित किया है इंफोसिस ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे इंफोसिस की बात आ गई है तो मैं आपको इंफोसिस के बारे में बता देता हूँ।
इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 1981 में, और इन्फोसिस की स्थापना किसने की थी? इन्फोसिस की स्थापना की थी एन आर नारायण मूर्ति ने। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है एन आर नारायण मूर्ति, और यही है इन्फोसिस के संस्थापक। और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन्फोसिस से ये बन जाता है कि इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और अभी हाल ही में इन्फोसिस से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था करेंट अफेयर का, कि इन्फोसिस के डायरेक्टर ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रवि वेंकटेशन। तो अभी हाल ही में रवि वेंकटेशन जो इन्फोसिस के डायरेक्टर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आदेश जारी किया है कि पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है? तो ये अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप जानते हैं आधार कार्ड की अनिवार्यता से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसका डिसीजन अभी आना है। जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आप किसी भी चीज में ये नहीं कह सकते कि आधार कार्ड अनिवार्य है। जितने भी लोग कहते हैं कि आधार कार्ड अनिवार्य है वो अभी इलीगल है जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बन जाती है कि आधार कार्ड को लॉन्च कब किया गया था। आधार कार्ड के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि आधार कार्ड को लॉन्च कब किया गया था। तो ये आप याद रखिए, आधार कार्ड को लॉन्च किया गया था 2009 में। कब लॉन्च किया गया था आधार कार्ड को? 2009 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर 2028 तक दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा? तो ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग 2028 तक दुनिया की सबसे आबादी वाला शहर बन जाएगा दिल्ली, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब दिल्ली की बात आ गई है तो दिल्ली के बारे में आपको बता देता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप सभी लोग जानते हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपको याद होना चाहिए, यानी कि दिल्ली के LG कौन है? तो दिल्ली के LG है अनिल बैजल, इनका नाम आप याद रखिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, यानी कि उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो ये अभी हाल ही में वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया पीयूष गोयल जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी लोगों ने सही दिया है। अब आपके लिए आज के वीडियो का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी बार ICC के स्वतंत्र चेयरमैन कौन चुने गए हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अनुराग ठाकुर, शशांक मनोहर, जहीर अब्बास या डेविड रिचर्डसन। आपको इनमें से बताना है कि अभी हाल ही में दूसरी बार ICC के स्वतंत्र चेयरमैन कौन चुने गए। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसका आंसर आप जरूर दिया करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेशारसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेशारसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।